कोरोना महामारी के इस दौर में कई निजी स्कूल शिक्षकों के शोषण पर उतर आए हैं। शिक्षकों को जहां कुछ और आंशिक वेतन दिया जा रहा है तो कहीं कुछ को वेतन ही नहीं मिला है। मंगलवार को ऐसी ही शिकायत गोकुलदास स्कूल के शिक्षकों ने जनसुनवाई में की। शिक्षकों ने बताया कि स्कूल के शिक्षण शुल्क बदस्तूर लिया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों को वेतन देने में आनाकानी करते हैं। दो सालों से जहां आंशिक वेतन दिया जा रहा है, वहीं अप्रैल मई महीने का वेतन नहीं मिल पाया है। कई शिक्षकों को स्कूल प्रबंधन ने वेतन की मांग करने पर अनियमित कर दिया है। ऐसे वक्त में शिक्षक आर्थिक रूप से परेशान है। निजी स्कूल प्रबंधन सरकार के आदेशों को खुलेआम धज्जा उड़ा रहा है। सरकार ने लॉकडाउन में किसी भी शिक्षक को नौकरी से न निकाले जाने और समय पर वेतन देने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार के आदेशों का निजी स्कूल प्रबंधन पर असर नहीं पड़ रहा है। निजी स्कूलों में वेतन की मांग करने पर टीचरों को नौकरी से निकाला जा रहा है। शिक्षकों ने कलेक्टर से मामले में संज्ञान लेकर बकाया वेतन दिलाने की बात कही है। साथ ही अनियमित किए गए शिक्षकों को दोबारा नौकरी दिलाने की मांग भी की है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हम प्राइवेट शिक्षक हैं गोकुलदास पब्लिक स्कूल के। कोविड काल से हम लोगों का जो वेतन है वो काफ़ी बचा हुआ है। कोविड काल के दौरान हमको ये आश्वासन दिया गया था कि जैसे जैसे स्थिति सामान्य होती जाएगी आपको उसका पेमेंट पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन दो वर्ष होने के बाद भी अभी हमें वो वेतन पूरा दिया नहीं गया। हमने कई बार निवेदन किया और मजबूरी में अब आखिर में हमको यहाँ पर आना पड़ा कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई में, और हमारा यही निवेदन है कि हमारा बकाया वेतन हमको दे दिया जाए ताकि हमारा घर परिवार हम सही तरीके से चला सकें। अभी आज जनसुनवाई में पहुँचे, क्या आश्वासन का मिला? जनसुनवाई में कार्रवाई का आश्वासन दिया है उन्होंने। डीओ साहब को लेटर फॉरवर्ड किया है कि जो भी परेशानी हुई है उस पर एक समिति बना करके और कार्रवाई करें। क्या नाम है आपका? जकीउद्दीन शेख। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।